प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। तो जैसा कि इस अध्याय से जुड़ी हुई एक ऑडियो मैंने आपके पास भेजी है, उसमें मैंने इस अध्याय के बारे में सारा आपको बता दिया है कि क्या क्या इसमें हमें बताया गया है, क्या समझाया गया है। तो उसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको यहाँ पर आज बता देती हूँ कि पाठ जो आपने ध्यान से सुन लिया है, पढ़ लिया है, उसको पढ़ने के बाद कोई भी जो प्रश्न है उनको आपको याद करने में, उनको समझने में कोई परेशानी न हो, इसलिए मैं थोड़े से जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने लेकर आई हूँ। दोबारा से बता देती हूँ, अध्याय का नाम है बाजार दर्शन, लेखक जयेंद्र कुमार। तो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर सबसे पहला मार्ग बनता है वो है कि बाजार क्या है। क्या है बाजार? बाजार जो है वो एक आकर्षण की का केंद्र है और विलासिताओं की वस्तुओं से भरा हुआ है। जब भी हम बाजार जाते हैं तो हम देखते हैं कि बाजार जो है वो चारों ओर से आकर्षण की वस्तुओं से भरा हुआ है। उसकी चकाचौंध जो है हमें बड़ी ही प्रिय है और बड़ी ही मनभावनी लगती है। कई बार क्या करते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं की चीजों को छोड़कर, जो हम बाजार खरीदने के लिए गए हैं उनको छोड़कर, कुछ अनावश्यक चीजें जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं उनको खरीद लाते हैं। तो इस बात से आपको पता चल गया होगा कि बाजार क्या है। बाजार जो है एक आकर्षण की वस्तु है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करता है और बताता है हमें कि आओ आओ और मुझे खरीद लो। बाजार हमें बार बार यही कहता है और हम उसके बहकावे में बड़ी ही जल्दी आ जाते हैं। तो बाजार क्या है? आकर्षण की एक वस्तु है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है कि हम बाजार क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं बाजार? आजकल तो बाजार एक बड़ा ही दिलचस्प सा हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि बाजार जा नहीं पाते। बाजार जाने का बड़ा मन करता होगा आप लोगों का भी, ठीक है? तो बाजार का नाम सुनते ही एक रोमांच सा हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि बाजार क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं बाजार? बाजार जाते हैं अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए। या कभी कभार क्या होता है, आजकल लोगों ने एक शौक पाल लिया है, एक जुनून लोगों के अंदर हो गया है कि भाई जब भी हम बोर होते हैं, कोई किसी तरह के तनाव में होते हैं, किसी तरह की समस्या में होते हैं, तो हम उन चीज़ों को, उन बातों से तनाव रहित होने के लिए बाजार की तरफ चले जाते हैं। ऐसे घूमने के लिए भी, देखने के लिए भी चले जाते हैं। परंतु यहाँ पर तो हमें एक सटीक सी परिभाषा इसके हमें बतानी है कि बाजार क्यों जाते हैं। तो बाजार हम जाते हैं अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। तीसरा नंबर पर आता है कि बाजार में कितने प्रकार के ग्राहक होते हैं, कितने प्रकार के ग्राहक होते हैं, यानी कि जैसे कहीं पर भी हो, लोग जो है तरह तरह के सोच वाले होते हैं, तरह तरह के विचार वाले होते हैं। तो बाजार के अंदर में जो ग्राहक होते हैं उनकी भी अलग अलग तरह की मानसिकता होती है। तो यहाँ पर इस बात के अंदर हमें बताना है कि बताया गया है कि बाजार में जो ग्राहक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के ग्राहक के बारे में बताया गया कि दो प्रकार के ग्राहक जो है बाजार के अंदर होते हैं। एक वो होते हैं जिनको पता होता है कि आज हमें बाजार से क्या खरीदना है, और वो केवल उन्हीं चीजों को खरीदते हैं जो उनकी आवश्यकता की होती है। दूसरे प्रकार के ग्राहक होते हैं जो बाजार में ये सोचकर नहीं जाते कि उनको क्या खरीदना है या क्या उनको चाहिए। वो क्या सोचकर जाते हैं कि चलो घूम आते हैं, वो कुछ अच्छा लगेगा तो उसको हम खरीद लेंगे। तो कितने प्रकार के ग्राहक होते हैं? दो प्रकार के। बाजार के अंदर दो प्रकार के ग्राहक होते हैं, एक वो जिनको अपनी आवश्यकता का पता होता है और एक वो जो अनावश्यक चीजों को खरीदते हैं। चौथे नंबर पर है कि बाजार को सार्थकता और निरर्थकता किस प्रकार के ग्राहक प्रदान करते हैं। अब जैसे ये तीसरे प्रश्न से आपका जुड़ा हुआ है कि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की आवश्यकता का पता होता है और एक जो अनावश्यकता के लिए जाते हैं। तो बाजार को सार्थकता कौन प्रदान करता है, किस प्रकार के ग्राहक प्रदान करते हैं? तो बाजार को सार्थक करने की जो बात आती है उसमें हमारे पहले नंबर
ग्राहक जो है वो आते हैं जिनको पता है कि हमें क्या खरीदना है और जो अपने पैसे को और समय को बेफिजूल बर्बाद नहीं करते, वो अपनी आवश्यकता की चीजों को ही खरीदते हैं। उस प्रकार के ग्राहक बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं निरर्थकता की। निरर्थकता की जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जो बिना अर्थ की बेमतलब की है, बेफिजूल की है, वो किस प्रकार के ग्राहक हैं, किस प्रकार बाजार को निरर्थक बना देते हैं। ये वो है जो क्या है, बाजार की चकाचौंध से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनको खरीदनी कुछ और चीजें होती हैं, परंतु जब वो चकाचौंध को बाजार की देखते हैं तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और कुछ भी जो उनके मन को भा जाता है वो खरीद लेते हैं, जो भ्रष्टाचार को और महंगाई को बढ़ावा देता है। इससे समाज के अंदर अव्यवस्था और असंतोष की भावना बढ़ती है, क्योंकि क्या होगा, निरर्थक चीजों को जब हम खरीदेंगे तो बाजार में क्या होगा, निरर्थक चीजों की मांग बढ़ जाएगी और उस मांग के अनुसार ही उन निरर्थक चीजों का उत्पादन बढ़ जाता है और उत्पादन को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का माहौल पैदा हो जाता है। तो पांचवें पर है कि बाजार का जादू किस प्रकार चलता है, कि किस प्रकार बाजार का जादू चलता है। अब आप देखो शुरू से लेकर पांचवें नंबर तक जितने भी प्रश्न हैं सभी में बार बार एक ही बात, आप पूरा पाठ भी पढ़ लोगे तो वहां पर भी आपको एक ही बात बार बार बताई जाएगी कि भाई लोग किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के जो ग्राहक बाजार के अंदर है। तो यहाँ पर भी जो ये वाले ग्राहक है निरर्थक करने वाले बाजार को, उनके बारे में बताया जाएगा कि बाजार का जादू किस प्रकार चढ़ता है, किस प्रकार चढ़ता है। तो बाजार का जादू जब एक व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है तो उसको ये पता चलता है बाजार का जादू कि बाजार में कुछ और चीजें, कुछ आवश्यकता की चीजें खरीदने के लिए जाते हैं और खरीद कर क्या ले आते हैं, बिना आवश्यकता की चीजें। तो उस वक्त क्या होता है, बाजार का जादू हमारे ऊपर चढ़ जाता है। जब हम आवश्यकता की कोई चीज खरीदने जाते हैं और उसको न खरीद कर बिना आवश्यकताओं की चीजों को खरीद लेते हैं, जो बाद में क्या है हमें कष्ट देती है। वो कष्ट किस प्रकार देती है, वो चीजें बाद में हमें बड़ी ही हमारी आंखों को चुभने लगती है। क्यों चुभती है, क्योंकि आज जो पैसा हमने बिना आवश्यकता की चीजों पर खर्च किया है, बाद में जब हमें उस पैसे की आवश्यकता होती है तो वो पैसा हमारे पास नहीं होता। तो फिर क्या होता है, वो चीजें जो हमने बिना वजह जो खरीदी थी वो हमारी आंखों को चुभने लगती है और वो हमारे दिल में चुभती है। तो आशा है कि इन पांच प्रश्नों के माध्यम से जो मैंने आपको पाठ के बारे में समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा और इस अध्याय के बारे में जो पढ़ाया है और ये जो प्रश्न जो मैंने आपको अलग अलग से करवा दिए हैं, तो मेरे ख्याल से ये पाठ आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए और आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद।